मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी किट कभी कभी हम जब घर पे यूज़ करते हैं तो क्यों उसमें एक लाइट कलर की लाइन आती है, यानी कि बहुत ही एक हल्की सी लाइन आने का क्या कारण होता है। देखिए, बहुत ही कॉमन है, सभी लोग घर पे प्रेगनेंसी किट्स को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और उसको रीड करना भी आसान होता है। अगर एक सिंगल लाइन आती है तो हम उसे नेगेटिव बोलते हैं, दो डार्क लाइन आ जाती हैं तो हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। पर अगर एक लाइन डार्क है और दूसरी लाइन लाइट कलर की है, यानी कि हल्की सी है, लाइट पिंक कलर की है, तो इसका क्या मतलब है, प्रेगनेंसी है या नहीं, यही डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे जो कॉमन कारण होता है कि क्यों हमें एक लाइट कलर की लाइन मिलती है, वह ये होता है कि कभी कभी बहुत महिलाओं में एंजाइटी होती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट को थोड़ा जल्दी यूज़ कर लेती हैं, यानी कि किट को, पीरियड आपका जो मिस्ड पीरियड है, आइडियली उसे आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उसके, अगर आपको पीरियड नहीं आता, पीरियड मिस हो जाता है, तो उसके दो एक दिन बाद में चेक करके देखना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग एंजाइटी के कारण उसको पीरियड की जो आने वाली डेट है उससे भी पहले चेक करके देख लेते हैं, यानी कि एक दो दिन हमने पहले चेक कर लिया या दो चार दिन पहले चेक कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो भी ये लाइन लाइट कलर की आती है, यानी कि प्रेगनेंसी तो है लेकिन वह अभी इतनी बड़ी ही नहीं हुई कि वह इतना हार्मोन सिक्रीट करे कि ये लाइन डार्क कलर की आए। प्रेगनेंसी किट में दो लाइन आती क्यों है, पहले तो चलिए हम ये जानते हैं। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में जो बीटा एचसीजी करके एक हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। ये बीटा एचसीजी ब्लड में बढ़ता है और ये सेम बीटा एचसीजी यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। तो जब ये जो ये बीटा एचसीजी एक्सक्रीट होता है, इसी के कारण जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं इन किट्स के द्वारा तो उसमें दो लाइन आती हैं। तो जब बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी अभी बहुत ग्रो हुई ही नहीं, 5-6 हफ्ते की हुई नहीं, वो सिर्फ 4 हफ्ते की ही प्रेगनेंसी है और हम उस टाइम पे उसे चेक कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर इतना बीटा एचसीजी है ही नहीं। बीटा एचसीजी बढ़ गया है, नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन थोड़ा है, तो वह यूरिन में भी थोड़ा ही एक्सक्रीट होगा, जिसके कारण कि जो ये लाइन होगी, एक लाइन जो कंट्रोल वाली है वह तो डार्क होगी लेकिन जो टेस्ट वाली लाइन होगी यह लाइट कलर की आएगी, हल्की गुलाबी कलर की, लाइट पिंक कलर की लाइन आएगी। तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमने जल्दी चेक कर लिया है तो इसके कारण है या कोई और वजह तो नहीं है? तो अगर आपने जल्दी चेक कर लिया है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम टेस्ट को 3-4 दिन बाद रिपीट करके देख लीजिए। 3-4 दिन बाद यह लाइन ऑटोमेटिकली डार्क हो जाती है, क्योंकि जो बीटा एचसीजी की वैल्यू है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में बढ़ जाती है और ये लाइन ऑटोमेटिकली डार्क हो जाती है। तो यह तो हुआ सबसे कॉमन कारण कि क्यों फेंट लाइन आती है। कभी कभी महिलाएं बोलती हैं कि उन्होंने चेक मिस्ड पीरियड की डेट से पहले नहीं किया है, चेक भी एक हफ्ता निकल जाने के बाद किया है, फिर भी लाइन लाइट क्यों कलर की आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा ही आपके साइकिल में लेट रिलीज हुआ, जिसके कि लेट कंसेप्शन हुआ, लेट प्रेगनेंसी हुई, और आपके हिसाब से तो प्रेगनेंसी के 5-6 हफ्ते हो गए पर एक्चुअली वो प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की ही है, इसके कारण भी वह लाइन लाइट कलर की आ सकती है। तो इसमें भी जब आप उसे 3-4 दिन बाद रिपीट करेंगे तो ये लाइन डार्क कलर की हो जाएगी। ये हुआ सबसे कॉमनेस्ट कारण। अब आते हैं अगले कारण के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होने की जगह बच्चेदानी के बाहर हो जाती है, जैसे कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब या ओवरी के अंदर है। तो जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं होती, बच्चेदानी से बाहर होती है, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ हैं वह इतनी हाई नहीं होती बॉडी में, वह कम होती हैं और यह लाइन लाइट कलर की आ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज होता है लाइट कलर की लाइन आने का। कई बार क्या होता है कि महिला ने चेक भी 6-7 हफ्ते हो गए हैं, फिर चेक किया है, यानी कि पूरा अच्छा खासा समय हो गया है जब तक ये लाइन बहुत अच्छे से डार्क आ जानी चाहिए थी, परंतु लाइन अभी भी लाइट आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई
लेकिन वह आगे ग्रो नहीं हुई, वह उसके अंदर ही वह ग्रोथ जो उसकी थी वह बंद हो गई, अबॉर्ट हो गई, लेकिन ब्लीडिंग नहीं चालू हुई। ब्लीडिंग चालू होती है तो महिला को खुद से ही पता चल जाता है कि अबॉर्शन हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो चुका होता है, लेकिन बच्चेदानी के अंदर ही वो डेड बच्चा पड़ा हुआ होता है, छोटा सा फीटस पड़ा हुआ होता है, वो आगे ग्रो नहीं कर रहा होता। तो जब बच्चा ग्रो नहीं कर रहा होता तो बीटा एचसीजी की वैल्यू भी नहीं बढ़ रही होती, लेकिन ऑलरेडी वह थोड़ा तो ग्रोथ कर चुका है इसलिए बीटा एचसीजी की थोड़े लेवल्स तो हैं, पर वो धीरे 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 करके बॉडी में कम होते जाते हैं, इसलिए भी लाइट कलर की लाइन आती है। मिस्ड अबॉर्शन के बारे में हमें सोनोग्राफी से पता चल जाता है। सोनोग्राफी में हमें सैक दिखाई देता है, लेकिन कोई कार्डियक एक्टिविटी या और जो चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, फीटल पोल या गेस्टी योक सैक वगैरह, वह नहीं दिखाई देती है। तो कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन होने के कारण भी एक लाइट कलर की लाइन आ सकती है। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण होता है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी यानी कि आपने टेस्ट किया, लाइन आई, लाइट कलर की लाइन आई, लेकिन थोड़े दिन बाद पीरियड भी आ गया और वो जो लाइट कलर की लाइन थी वह भी चली गई। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम सोनोग्राफी करके भी देखते हैं तो कोई अंदर गेस्टेशनल सैक नहीं दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ ये जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ हैं यह बढ़ती हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है लाइट कलर की या हल्के रंग की लाइन आने का। कभी कभी एक हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी गेट को चेक करने का एक स्पेसिफिक समय होता है, जो कि उसकी लीफलेट में बड़े अच्छे से लिखा भी होता है, डिस्क्राइब होता है, मेंशन होता है कि आपको 3 मिनट के अंदर इसको चेक करना है। मोस्टली में 3 मिनट का समय होता है, किसी में 3 से 5 मिनट का समय होता है। कभी कभी हम उसे रख के भूल जाते हैं, किट को रख के भूल जाते हैं, या हम इंतज़ार करते रहते हैं और टाइम निकलने देते हैं, तो हम उसे 10 मिनट बाद चेक कर रहे हैं, काफ़ी देर बाद हम चेक कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक इवेपोरेशन लाइन आ जाती है। उस इवेपोरेशन लाइन के कारण भी हमें ऐसा लगता है कि वो एक हल्की सी लाइन है, पर वो एक्चुअली इवेपोरेशन लाइन होती है, वो प्रेगनेंसी के कारण नहीं होती। वह जो ये यूरिन इवेपोरेट हो रहा है उसके कारण इवेपोरेशन लाइन आ जाती है, लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा होता है जैसे कि वह एक लाइट कलर की लाइन है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करें, उसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है उसी के बीच में उसको चेक करके देखिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है कि यानी कि आप चेक करने में देरी हो गई है, तो इस टेस्ट को आप रिपीट करके देख लीजिए। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग सैंपल्स उसे रिपीट करके देख लीजिए, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो जाएगा। कभी कभी प्रेगनेंसी ना होने के अलावा कुछ और ही चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। बहुत रेयर है, ऑल्दो मीनोपॉज के आसपास कभी कभी हार्मोन्स इस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं कि ये टेस्ट बहुत, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि ये पॉजिटिव आ जाता है। उसमें भी ये बहुत हल्की सी लाइन आती है। कभी कभी कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बीटा एचसीजी सिक्रीट कर रहे होते हैं और उसके कारण भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी हो उसके लिए दवाइयाँ दे रहे होते हैं, और कभी कभी उसके लिए इंजेक्शन्स भी दे रहे होते हैं, और उन इंजेक्शन्स में कभी कभी एचसीजी इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने अगर एचसीजी इंजेक्शन दिया हुआ है आपको, तो फिर आप अगर यूरिन का टेस्ट करेंगी तो उसमें वह लाइट कलर की लाइन आ जाएगी और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जब भी इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो डॉक्टर्स यूजुअली इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं। ब्लड में भी ये सेम बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ चेक की जाती हैं, जिससे कि हमें कंफर्मेशन होता है कि इनमें से एक्चुअली कौन सी कंडीशन है। साथ में सोनोग्राफी भी की जाती है, जिससे कंडीशन क्लियर होती है कि इनमें से क्या चीज़ चल रही है जिसके कारण की यह लाइट कलर की लाइन हो आई है। तो अगर आपको इस तरह की लाइन आ रही है और आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, या आप कुछ और हमसे जानना चाहती हैं इस बारे में, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। धन्यवाद।